नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको फल और सब्जी को कैसे साफ किया जाता है, कैसे साफ करके धोते हैं, केमिकल से और कीड़े से कैसे रिमूव करते हैं, उसका मैं बेस्ट घरेलू उपाय बताती हूँ। ये सॉल्ट है, नमक, ये नींबू है, ये विनीगर है, सिरका, आप कोई सा भी सिरका ले सकते हो सब्जियों को वॉश करने के लिए, फल को वॉश करने के लिए, फलों को सब्जियों को धोने के लिए। जैसे ये गोभी है, गोभी में सबसे ज्यादा कीड़े होते हैं, उसको धोने के लिए ये मैंने गोभी काट के रखी हुई है। आपको इन तीनों चीजों में से कोई भी एक चीज आप ले सकते हो। जैसे ये मैं 2 चम्मच विनेगर डालती हूँ, आधे किलो गोभी के लिए आप 2 चम्मच विनीगर डाल सकते हो। उसको डालने के बाद आप ये गोभी इसके अंदर 15 मिनट के लिए डाल देना है। 15 मिनट के बाद जब ये खूब इसके अंदर से जो कीड़े हैं, केमिकल है, वो सब निकल जाएगा, वो सब पानी में रह जाएगा। 15 मिनट के बाद इसको खूब अच्छी तरीके से धोकर, पानी से, ताजे पानी से धोकर खूब अच्छी तरीके से फिर इसको आप बना सकते हो। इसी तरीके से आपको फल लेना है, जैसे ये सेब है, अमरूद है, और जिसका ये छिलका नहीं उतारते और बिना छिलका उतार के ही खाते हैं, तो क्योंकि छिलके के नीचे ही सारी विटामिन्स होती है, इसलिए आपको छिलका नहीं उतारना है। तो इसको भी आप 15 मिनट के लिए फल सब्जियां आप इसको सिरके के अंदर या नींबू के अंदर या सॉल्ट के अंदर आप नमक के अंदर आप भिगो कर रख सकते हो 15 मिनट के लिए। इससे आपका केमिकल सा निकल जाएगा, कीड़े जो कीड़े मकोड़े होते हैं फलों में, सब्जियों में, गंदा पानी होता है, वो सब निकल जाएगा। इसी तरीके से आपको जैसे बीन्स है, शिमला मिर्च है, कैप्सिकम है, और भी ऐसी बहुत सी सब्जियां होती है जिसका हम छिलका नहीं उतारते हैं, फील नहीं करते हैं, तो उसको आप 15 मिनट के लिए आप पानी के अंदर आप भिगो सकते हो। या अगर आपको नींबू डालना है तो आधा नींबू लेना है, नींबू के अंदर भिगोना है। इसी तरीके से आपको अगर ये नमक में करना है तो आपको 1 चम्मच नमक के अंदर डुबो देना है। इससे आपकी सब्जी और फल बिल्कुल शुद्ध हो जाएगी। इसको पालक की जैसे पत्ते वाली सब्जियां हैं, पत्ते वाली सब्जियां को काट कर इसी तरीके से आप भिगो दो। पत्ते वाली सब्जियों में कुछ ज्यादा की ये केमिकल वगैरह और ये चीजें होती हैं, कीड़े वगैरह बहुत ज्यादा होता है उसके अंदर। बरसात के मौसम में पत्ते वाली सब्जियां को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बरसात में ये चीजें बहुत ज्यादा होती है। और फल में भी इसी तरीके से आप जैसे सेब है, अमरूद है, और नाशपाती है, कुछ भी मतलब A to Z जो भी फल वाली सब्जियां फल होते हैं, उसको आपको इसी तरीके से भिगो देना है। इससे आपका केमिकल सब निकल जाएगा और आपकी सब्जियां और फल शुद्ध हो जाएगा। दोस्त, अगर ये वीडियो मेरी पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल बटन जरूर दबाना, ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सके।